Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends. Welcome to the desk. Deva English has spoken class. Friends, nowadays I am teaching you about the extra advanced course. The sentences from extra advanced course. Okay friends. So in the last class I taught you about the use of make in the causative verb as a causative verb. ठीक है friends, मैं आजकल आपको extra advanced course से कुछ sentences बता रहा हूँ, कुछ topic पढ़ा रहा हूँ. और पिछली बार मैंने बताया था आपको make और get का इस्तेमाल. Today I am going to teach you about the no sooner, hardly and scarcely का इस्तेमाल. ठीक है friends, तो let's start the class of the day. फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मेक का इस्तेमाल एज ए काउजेटिव वर्ब हम क्यों करते हैं और गेट का इस्तेमाल हम कब करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे नो सूनर, हार्डली और स्केसली का इस्तेमाल. तो सबसे पहले हम देखते हैं वो इंग्लिश वीडियो. Dear, look, Ron is coming. Hi, Rohan. How are you? I am fine. I heard you went to the picnic this weekend. How was it? Yes, I am also fine. We went to Corbett National Park. It was so wonderful. Yes, I also went with Didi. It is really beautiful park. I also want to go. Who were with you in the park? Only Aman and his siblings and mine. It was sudden program, so we didn't ask anyone else. Can you tell me about the picnic? It was indeed wonderful experience for us. The scenic beauty of the place was wonderful. That's very good. Had you seen any wildlife there? Yes, our guide was very efficient and showed us all flora and fauna there. Which animal were there? Elephants, including like tiger, lion, leopards, wild elephants roam the Dikla zone. We also took their pictures too. It sounds very exciting. Where did you stay? There are many hotels. We stayed there. It is really nice to spend weekend away from the busy and polluted life. I wish I would also accompanied you. Okay, next time. Friends, शुरू करते हैं. No sooner, hardly and scarcely. ये जो भी वर्ड्स है इसका इस्तेमाल हम किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं. हम हिंदी में जैसे बोलते हैं कि जू ही पुलिस पहुंची डाकू भाग गए, या जैसे ही पुलिस पहुंची डाकू भाग गए, इस तरह के सेंटेंस हम बोलते हैं. तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं? तो उस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. ये तीनों शब्द एक जैसे हैं फ्रेंड्स, तीनों का अर्थ एक ही होगा, इसलिए हम तीनों में से किसी भी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, इसका जो मेकिंग फार्मूला है, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, इनमें से किसी भी एक को लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वेन या देन का इस्तेमाल करेंगे, फिर एडजेक्टिव क्लाउज, जो एडजेक्टिव क्लाउज आता है उसके बाद वो पूरा का पूरा सेंटेंस लिख देंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो हम शुरू करते हैं एक सेंटेंस से. ज्यों ही पुलिस पहुंची डाकू भाग गए. तो जैसे ही, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे ही पुलिस पहुंची डाकू भाग गए. तो इसको हम इंग्लिश में बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें से किसी भी एक को ले लेंगे. मैंने तीनों को लेकर बनाया है. मैं तीनों को बता देता हूं कि तीनों का इस्तेमाल हम कैसे कैसे करते हैं. तो नो सूनर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब. नो सूनर डिड द पुलिस रीच. हम या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से भी बना सकते हैं ये सेंटेंस, या हम पास्ट परफेक्ट टेंस के हिसाब से भी बना सकते हैं. अगर पास्ट परफेक्ट टेंस के हिसाब से बनाएंगे तो यहाँ पर हेड हो जाएगा और यहाँ पर रिच की जगह रिच हो जाएगा, यानी थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिच का. ठीक है फ्रेंड्स, तो नो सूनर डिड द पुलिस रिच देन. यहाँ पर अब देन लगाया हूँ मैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ देन ही लिखना है, वहाँ पर हम वेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो देन रॉबर्स फ्लीड अवे. जीव ही पुलिस पहुंची डाकू भाग गए. ओके फ्रेंड्स,
या दूसरा तरीका हार्डली को अगर हम लेकर बनाते हैं, हार्डली हार्डली डिड द पुलिस रीच व्हेन रॉबर्स फ्लीड अवे, तो यहां पर भी हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया है, इसलिए डिड लगाया है यहां पर, डिड द पुलिस रीच। इतना हमेशा याद रखना कि इन शब्दों में से, तीनों शब्दों में से कोई भी अगर किसी भी शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं तो उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से कर रहे हो तो डिड लगेगा, या पास्ट परफेक्ट टेंस से कर रहे हैं फिर हैड लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हार्डली डिड द पुलिस रीच व्हेन रॉबर्स फ्लीड अवे। अब तीसरा तरीका है, स्केसली हैड द पुलिस रीच्ड देन रॉबर्स फ्लीड अवे। अब यहां पर आप ये मत सोचना कि यहाँ पर स्केसली है इसलिए हैड लगेगा, यानी कि इस शब्द के साथ हैड लगेगा, ऐसा मत सोचना आप। यहाँ पर हम डिड से भी बना सकते थे कि डिड द पुलिस रीच, या हम अगर हैड का इस्तेमाल पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हैड आएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ जाएगा, फिर उसके बाद देन लिखिए या व्हेन लिखिए, फिर उसके बाद वो रॉबर्ट्स फ्लीड अवे, ये जो रहेगा उससे हम में रहेगा, सब में एक ही टेंस का इस्तेमाल होगा। ये जो एडजेक्टिव क्लाउज है जो यहाँ पर है ना, रॉबर्ट्स फ्लीड अवे, ये एडजेक्टिव क्लाउज इसको बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लाउज, ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही एडजेक्टिव है जो पहले सेंटेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। हमने पहली बार, इसके पहले हमने एडजेक्टिव का क्लास बनाया था, एडजेक्टिव का वीडियो बनाया था, तो उसमें बताया था मैंने आपको कि कभी कभी पूरा का पूरा सेंटेंस भी एडजेक्टिव होता है, तो ये एडजेक्टिव क्लाउज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम इन तीनों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हम और भी कुछ सेंटेंसेज लेते हैं और बनाते चलते हैं, जैसे जैसे ही मैं घर से निकला बारिश होने लगी, तो हार्डली डिड आई स्टार्ट फ्रॉम हाउस इट बिगेन टू रेन, या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि नो सूनर हैड आई स्टार्टेड फ्रॉम हाउस इट बिगेन टू रेन। इसमें हम देन या व्हेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हार्डली डिड आई स्टार्ट फ्रॉम हाउस देन या व्हेन, दोनों में से कोई भी एक, व्हेन इट बिगेन सेकेंड फॉर्म याद रखना, वहां पे पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होगा, इट बिगेन टू रेन। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही मैं कमरे में घुसा वो रोने लगी, जैसे ही, तो हार्डली हैड आई एंटर्ड इन टू द रूम सी स्टार्टेड टू क्राई, हार्डली हैड आई एंटर्ड इन टू द रूम व्हेन सी स्टार्टेड टू क्राई। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके के सेंटेंस इसमें आते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बस एक बार फिर से बता देना चाहूँगा कि जब भी इन तीनों शब्दों में से किसी भी एक शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें देन या व्हेन का इस्तेमाल यहाँ पे होगा, जब हम एडजेक्टिव क्लाउज को लिखेंगे उसके पहले देन या व्हेन का इस्तेमाल होगा, और एडजेक्टिव क्लाउज ये इस तरह के सेंटेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा सेंटेंस के हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, और जब भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का क्लास। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप नया नया कुछ इसी तरह से सीखते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।